हेलो, तुमने ज्यादा ही घमंड है, जोखिम उठा रहे हो। ध्यान रखो वरना जो है उसे भी खोदोगे। अगर हारने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? I'm gonna make mistakes, and then tomorrow I'm gonna make a bunch of new mistakes that I never made before. But I'm gonna live in my truth. Now, and when you live in your truth, you make all of the wrong people uncomfortable. Yes, you do. So fuck them. खुद को किसी से कम मत समझना। तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात है। ठान लिया तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। बदल दो जो हालात है, उठो और आगे बढ़ो। बिना थके बिना रुके बस चलते चलो। इसमें ना रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। Men would do anything but cry, you know, and so they are all men. When you cry, you must fight the tears, and if you fight the tears, the audience will cry for you. जिनकी बेटियों को सास ससुर के साथ नहीं रहना हो ना, तो उन माता पिता से मेरा निवेदन है कि वो अपनी बेटियों के लिए दूल्हा अनाथालय में तलाश करें, परिवार में नहीं। Expect good things that God is going to do that will give you strength in your body. Stop saying I am retired, I don't think God is now going to use it. No, expect good things. Your body will start listening to your mind. Let your heart never be bound or limited. Forget about last year. Forget the victory. Forget your loss. Take this word fresh from heaven. एक ही बात कहना चाहूंगा जी, अगर आप सच्चे हो ना, कोई छल कपट नहीं, प्रपंच नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, यार देने की हमेशा सोचना चाहिए, लेने की नहीं, तो ऊपर वाला बड़ा खुश होता है, बोलता है कि तू बस चलता जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या बात। अगर जिंदगी में अच्छी संगत नहीं करते हैं तो बुरी लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बुरी लगती है। अच्छी के लिए साधना करनी पड़ती है। जैसे साक्षर होने के लिए स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, ऐसे निरक्षर होने के लिए अलग से कॉलेज डिग्रियां नहीं है। आप वो मत करो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब दुनिया में जब जब कोई उपलब्धि हासिल करनी होगी ना, तो आपको और हमें जीवन में निर्माण करना होगा, ताकत लगानी होगी। अपने आप तो खरपतवार ही होती है, तो जिंदगी को डिजाइन करना होगा सर, निर्माण करना होगा। एक घड़े को निर्माण करने के लिए कुमार पूरा जीवन उसमें तपस्या करके फिर घड़े तक पहुंचता है। केवल मिट्टी को घुमाने से घड़ा नहीं बनता, उसका निर्माण करना पड़ता है। अगर जमीन होगी कोई भी छीन लेगा, पैसे होंगे कोई भी लूट लेगा, तू पढ़ा लिखा होगा तो तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। अगर तुझे अन्याय से जीतना है तो पढ़ लिख कर एक ताकतवर इंसान बन, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। नफरत हमें तोड़ती है, प्यार जोड़ता है। हम एक ही मिट्टी के बने हैं, लेकिन जातिवाद ने अलग कर दिया। हम सबको इस सोच से उभरना होगा।